something that we really wanted to really talk about. मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट यार बहुत दिन बाद हम पूरी की पूरी टीम बैठी हुई यहां पे. फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज़ आप बन चुके हैं फ्री फायर इंडिया चैंपियंस, एंड जो खिताब है, जो ताज है वो आपके सिर पे आने वाला. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बात करना चाहूंगा वासियो, आई वांट टू कम टू यू फर्स्ट. या आपने और गोल्डन ने जो अचीव किया बैक टू बैक चैंपियंस, इट्स नो थैंक यू सो मच. यही है कि थोड़ा स्टार्टिंग फेज खराब था, जैसे कि लीग स्टेज में हुआ था, आपने देखा है प्लेन से होके आए, बट ये चीज था कि एक करना था. और रात को बैठते हैं तो ऐसे डिस्कस होता है, तो गोल्डन बोल रहे हैं नहीं भाई कुछ करना है, तो शायद आज और आखिरी मैच में गोल्डन भले मर गया हो लेकिन जो गोल्डन ने बोला है पल्सरी साला बोलते, इतना फूल इतना जोश ला दिया मेरे और मेरी एक्स में कि हमने बस मारते रुके बंदे, कुछ देखा नहीं, ना आओ ना ताओ, मारना है बंदे बस यही. यार बासा कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. यहां पे वर्ल्ड सीरीज तो नजरों में दिख रहा था, बिकॉज़ देखिए आपने जिस तरीके से क्वालिफाई किया ग्रैंड फाइनल्स में, यू गाइस केम थ्रू जो जो प्लेन्स होते हैं उसके थ्रू आए थे, आपने डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं किया था, यू नो दैट गोस ऑन टू शो से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर कैरेक्टर. सो सिंगापुर जाने वाले कैसे लग रहे हैं? आई थिंक इनका वी कांट हियर बासा, उन्होंने म्यूट कर दिया था एक्चुअली, वो म्यूट करना अनम्यूट करना भूल, कोई बात नहीं बासा, बट हाउ यू फीलिंग? बोला था ना लास्ट टाइम भी पोल के टाइम की हमने इक्का बजा के रखा है, इस बार भी बचा के रखा था. I remember having conversation with Vasu. मैंने उनको पूछा था कि how are you feeling about your performance in FFI. उन्होंने बताया था कि नहीं हमने एक चीज बचा के रखी है for the grand finals. And मैं मेरा सवाल मन में ये था कि right now आपके लिए सवाल है कि आपको जाना है planes के through. Obviously being in the top six is not going to be that difficult. But आके execute करना अपने plan को is commendable. Vasu, Barsa, the entire team. बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेले, आई एम श्योर मैरिक्स बहुत ज्यादा खुश होंगे पीछे बैठे बैठे हंस रहे हैं, अमन भी. ये जो हमारे बहुत अच्छा खेले तीनों प्लेयर, मुझे मजा आ गया. बारसा आज हमें मोटिवेट कर रहा था बार-बार, बारसा आज ब्रेक पे था थोड़ा उसका, तब 26 पानी पूरी खा के बैठा था, 26 प्लेट टीम का था भाई. एफएफआईसी से पहले पानी पूरी खा के खेलेंगे और इन चारों ने 26 प्लेट पानी पूरी खाई, बंदे मारेंगे अभी करके. मतलब क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? मतलब भाई मैं वही पूछना चाहूंगा जो लास्ट में मास्टर बचा के रखा था, जो डिस्कस कर रहे थे मामा जी के साथ, वो था क्या? मतलब गोल्डन को हमने पूरे एफएफआईसी में नहीं निकाला, फाइनल के लिए बचा के रखा था और फाइनल में गोल्डन ने मचा दिया. अरे हाँ गोल्डन तो था ही नहीं, अभी याद आया मुझे, गोल्डन तो खेल ही रहा था बीच में. ये अच्छा है तो यार बहुत अच्छा लगा देख रहे. बट ये क्या हुआ था, मतलब शुरू के जो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, शुरू के जो गेम्स थे उन्हें टाइम लगा आपको थोड़ा सा कीप अप करने में, थोड़ा सा पीछे चल लेता आप शुरू के दो तीन गेम्स के अंदर, बट जब कीप अप करा तो आपने बहुत अच्छा निकाला गेम. बट उस गेम्स के उन गेम्स के अंदर क्या गलती हुई थी, क्योंकि गलतियों से हम लोग सीखते हैं. फर्स्ट मैच में तो ऐसा था कि हम लेफ्ट साइड जाना था, बट थोड़ा गोल्स में दिक्कत हुई और प्लेयर्स पहले ही निकल गए थे तो उसमें. और सेकंड मैच में हम गन फाइट में ऐसा था कि गन फाइट ऐसा होता है कि जिसके पास गन मिली वो राजा है, तो हमें गन ही नहीं मिली तो उसमें थोड़ा सीन हो गया. बट हम पता है सबसे अच्छी बात, हम टूर्नामेंट कहाँ जीते, शायद से हम 12th में मरे बट मेरी टीममेट खुश थे. हम भले 12th में मरे हैं बट खुश थे कि हम कमबैक करेंगे. वो जोश देख के मैंने सोच लिया कि ये एफएफआईसी हमारा है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. थैंक्स टू अमन एंड मैरियक्स, पूरा मोटिवेट करके रखा. मैं थोड़ा ऐसा पहले स्टार्टिंग में ऐसा हूँ, इन दोनों को देखा खुश हंसते चेहरे, मेरा भी सबसे खत्म, मेरा अभी कमबैक हो गया. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मूड होता है टीम में, एक इंटेंट होना चाहिए, एक मूड बने रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, यू नीड टू स्टिल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि चलिए कोई बात नहीं, 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हो तो क्या हो गया, वी नो वी हैव द स्किल एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन यहाँ पे एक और चीज और अजी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जब वासु पीठ के पीछे तिरंगा लेके जाने वाले रिप्रेजेंट इंडिया आउटसाइड द इवेंट्स, पहले जा के हैं, ही हैज ऑल द एक्सपीरियंस यहाँ पे जो उनकी टीम में उनके साथ अनुभव शेयर करेंगे.
ask you how pumped are you for this? I'm like, मेरे पास सच्चे में वर्ड्स नहीं है कि उसके लिए मैं कितने साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वर्ल्ड सीरीज जाना है और फाइनली वापस इस बार टेबल चेंज करना है. पिछली बार से उल्टा टेबल करना है इस बार, और कुछ नहीं. बिल्कुल यार, आपने नोटिस करी है वासियो एक अकेले ऐसे प्लेयर है इंडिया से जिन्होंने सबसे ज्यादा बार इंडिया को रिप्रेजेंट करा होगा इंटरनेशनल. अगेन करने जा रहे हैं, बाहर जाने तो वासियो उठा लो काम. वासियो भाई बहुत सही यार. नहीं, but honestly, it's been a team effort for sure. You know, I do believe Aman and Mariex do deserve a lot of credit because जिस तरीके से उन्होंने खेला है, and you know, they also bring in a lot more than just their game. उनका conduct जिस तरीके से रहा, Mariex की बात करें, बहुत हंसी मजाक करते हैं. मैंने उनके साथ बात करी, honestly, he is the best person for me to interview because content अपने आप देते हैं, मुझे सवाल नहीं पूछना पड़ता. And then obviously there's Aman as well, जो बहुत ज़्यादा focused होते हैं, but he has that positive attitude. और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है, तो पूरी की पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहूंगा यहां पे. गोल्डन ऑफिस ले, नथिंग मोर आई कैन से. उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया इन बार्सा बॉय. ऑब्वियसली ही इज द डार्क फोर्स इन द टीम यार. कुछ भी हो जाए, हम आगे खेलेंगे और हम जीत के जाएंगे. बट GXR, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े यहां पे आफ्टर द मैच. एंड आई होप यू गाइस हैव अ गुड वन इन द वर्ल्ड सीरीज एज वेल. अभी तो सेलिब्रेशन कर लीजिए, हैव अ गुड नाइट. एंड आई बिलीव कल सुबह 6 बजे सोने वाले, आज